बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग क्लास वन। आई होप यू आर ऑल फाइन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ क्लास। ओपन योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 39 एंड 40। आर यूनिट इज़ 18 एंड दैट इज़ एनिमल्स। जानवरों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ जानवर जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं, जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। और आपको ये काम दिया गया था कि आपने 5-5 एनिमल्स के नेम लिखने हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं और जिनके फीडर्स होते हैं। तो आई होप कि आप सब बच्चों ने ये काम अपनी नोटबुक पर कर लिया होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेट एनिमल के बारे में और वाइल्ड एनिमल के बारे में। सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन द पेज नंबर 40। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पेज 40 पे है। डियर स्टूडेंट्स, आप पेज 40 पे देखें, एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है और ये पिक्चर जो है इसमें जो एनिमल्स दिखाए जा रहे हैं वो सारे पेट एनिमल हैं। यानी पेट एनिमल वो होते हैं जिन जो हम घरों में रखते हैं, जिनके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं और उनका हम ख्याल भी रखते हैं। जिसमें आप देखें कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है रैबिट है, हेन है, पिजन है, केज में एक पैरट है, हॉर्स है, डॉग है और इस छोटी बेबी गर्ल की गोद में एक कैटो भी है। तो ये सारे पेट एनिमल हैं और पेट एनिमल जो हैं वो हम शौक से अपने घर में अपने साथ रखते हैं। तो आज पहले हम पेट एनिमल के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं। वी कीप सम ऑफ दीज एट होम विद लव एंड केयर, लाइक कैट्स, डॉग्स एंड पैरट्स एक्ट। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। यानी जिनको हम अपने घर में बड़े ही प्यार मोहब्बत से रखते हैं और उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ये वो सब एनिमल्स हैं जिनमें वो हमें नाम बता रहे हैं कि कैट हैं, डॉग्स हैं और कुछ पैरट्स हैं। ठीक है, और इनको, इन एनिमल को पेट एनिमल कहा जाता है, जिनको हम अपने घरों में अपने साथ रखते हैं। और जब हम इनको रखते हैं तो ये हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते, क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं, इनको वक्त पर खाना देते हैं, ये जहाँ पर रखे जाते हैं उनकी सफाई भी की जाती है। अगर हम इनकी सफाई का भी ख्याल नहीं रखें तो ये तो गंदगी की वजह से हमारे इर्द गिर्द बहुत सी बीमारियाँ भी फैल जाएंगी। तो जब हम पेट एनिमल रखते हैं तो जहाँ पर वो रह रहे होते हैं हमें उस जगह की सफाई का ख्याल रखना चाहिए और उनके खाने पीने का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे दिस आर वाइल्ड एनिमल्स। ये जंगली जानवर हैं जो कि जंगल में रहते हैं और ये ख़तरनाक जानवर हैं, इनको हम अपने साथ घर में नहीं रख सकते। ये हम कहाँ देखते हैं? ये हम ज़ू में देखते हैं, चिड़ियाघरों में ये हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं कि ये हमें क्या कह रहे हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स। ठीक है, कि ये वाइल्ड एनिमल हैं और ये जंगलों में रहते हैं। दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये अपना ख्याल खुद रखते हैं। दे आर आल्सो केप्ट इन ज़ू। इनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, लाइक टाइगर्स, लायंस, ज़ेब्रास, मंकीज, एलिफेंट एंड मैनी अदर्स, जिसमें आपको ये नाम बता रहे हैं कि टाइगर है, लायन है, ज़ेब्रा है, मंकीज हैं, एलिफेंट हैं और इसमें आपको बियर और जिराफ भी नज़र आ रहा है। और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हमें सिर्फ ज़ू में ही नज़र आते हैं। ये सब जो हैं वाइल्ड एनिमल होते हैं और ये जो है वो ज़ू में ही होते हैं, ये हमारे साथ घरों में नहीं रह सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले पढ़ा कि जो ज़मीन पर रहते हैं, फिर उन जानवरों के बारे में पढ़ा जो पानी में रहते हैं और फिर उनके बारे में पढ़ा जिनके फीडर्स होते हैं, यानी जिनके जिनको हम बर्ड्स कहते हैं, वो परिंदे होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। तो
तो आज आपने पढ़ा पेट एनिमल के बारे में और वाइल्ड एनिमल के बारे में कि पेट एनिमल कौन से होते हैं और क्यों हम उनको अपने साथ रखते हैं, ठीक है, और वाइल्ड एनिमल कौन से होते हैं और हम उन्हें क्यों अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते कि वो ख़तरनाक जानवर होते हैं, दे आर डेंजरस। और पेट एनिमल जो होते हैं वो तो बहुत अच्छे और जानवर होते हैं, वो ख़तरनाक भी नहीं होते, वो हमें कोई नुकसान भी नहीं दे सकते। तो आज आपने क्या करना है कि पेज 40 की रीडिंग करनी है, और इसके लिए काम के साथ आपको 2 क्वेश्चन सेंड किए जा रहे हैं पिक्चर, वो काम आपने अपनी कॉपी पर करना है। सो दिस इज़ योर टुडेज़ वर्क। गुड बाय क्लास।